नमस्कार, मैं हूँ अवधेश राव और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। मीरा भांजा एक ऐसा शहर है जहाँ पे हर एक समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं। इसी प्रकार मीरा भांजा में आज एक कार्यक्रम किया गया उत्तर भारतीय समाज द्वारा, जहाँ पे उत्तर भारतीय के जो बड़े बड़े नेता हैं यहाँ पे उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। यहाँ पे प्रमुख उपस्थिति के तौर पर अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह और भाजपा के नेता अखिलेश चौबे व कई उत्तर भारतीय यहाँ पे पदाधिकारी आए हुए हैं। तो आइए बात करते हैं। क्या समय पहले सुरेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चे का मीरा भाईंदर जिला का अध्यक्ष बनाया। कई लोग इच्छा थी कि हम सब लोग उनका सम्मान करें, उसी सम्मान को लेकर के एक जो मिलन होता है, क्योंकि एक तो बप्पा परसों गए अपने गांव गए, ये बता गए मैं जा रहा हूँ, आप लोग अच्छा काम करो, अगले वर्ष में जल्दी आऊँ। तो और आज जो है सावन महीना तो ख़त्म हो गया लेकिन कजरी सुनने का मन लोग बना रहा, कहें कि जब तक बरसात होती रहेगी तब तक हम लोग कजरी सुनते रहेंगे। जैसे हमने उदाहरण दिया कि मास्टर जी ने कहा कि मेरी तनख्वाह 2000 रहेगी तब तक गंगा यहाँ निकलेगी, इसलिए हमारे समाज लोगों ने कहा कि जब तक बरसात होती रहे हम कजरी सुनते रहेंगे। एक सांस्कृतिक महोत्सव था, उसी को लेकर इकट्ठा हुए और आप देख रहे हैं इस समाज का जो जिस राजनीतिक दल में है वो दल की बात छोड़ करके इकट्ठे परिवार जैसे बैठे हैं। यही हमारी परंपरा है, यही उत्तर प्रदेश संस्कृति है, महाराष्ट्र की संस्कृति के साथ हमारा जो मिलन है ये दर्शाता है कि हम महाराष्ट्र की धरती उत्तर प्रदेश की धरती को लंबाई में दूरी हो सकती है, किलोमीटर में दूरी हो सकती है, दिनों में दूरी नहीं है, हमारी संस्कृति में दूरी नहीं। उसका ये बताइए कि मीरा भाईंदर शहर में उत्तर भारतीय समाज हमेशा से ही निर्णायक रहा है, लेकिन क्या वजह है कि मीरा भाईंदर शहर में उत्तर भारतीय भवन नहीं बन पा रहा है, वर्षों से इसकी मांग उठ रही है। पहले उत्तर भारतीय को प्रश्न समझने में देर लगती थी, इस बार 2014 से समझते समझते आप पूरी तरह समझ गया है, अगली बार ये प्रश्न आपको पूछने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन हर बार ये वादा किया जाता है। अरे मैं आज कह रहा हूँ, नोट कर लीजिए, 2000 जब भी महापालिका चुनाव होगा अगली बार आपको ये प्रश्न पूछने का मौका नहीं मिलेगा। सर पिछले चुनाव में विधानसभा चुनाव में यहाँ की विधायक गीता जैन ने वादा किया था कि चाहे कोई बनाए ना बनाए मैं अपने खर्चे से उत्तर भारतीय भवन बनाऊंगी, लेकिन अभी तक उसका कोई ठिकाना नहीं है, क्या कहेंगे? अभी थोड़ा दिन पहले विक्रम प्रताप सिंह हमारे आज के विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से मिले थे, मेरी भी सामने बात हुई थी, मैंने भी ये कहा था कि आपको उत्तर भारतीय भवन बनवाना है, इसलिए बनवाना है आप यहाँ उत्तर भारतीय बनाएंगे भवन बनाएंगे तो हम काशी में पराटकर साहब के नाम भी भवन बनवाने जा रहा हूँ, हमारा उनका हो गया है, हमारी संस्कृति हो गया है, मुझे लगता है जल्द वो काम शुरू होगा। विक्रम के साथ साथ यहाँ सुरेश की सबकी जवाबदारी है कि जमीन एक बार दे दें, उत्तर भारतीय संघ का भवन तो उत्तर भारतीय बना ही लेगा, कोई ईंटा देगा, कोई सीमेंट देगा, कोई बालू देगा, कोई मंत्र, जमीन कहाँ से लाएं? जमीन देने का सरकार को देना है और मुझे लगता है कि ये भी प्रश्न आपका अगली बार अधूरा रह जाएगा। सर एक चीज़ और है कि मीरा भाईंदर शहर में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज रहता है, लेकिन उन्हें जितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उतना प्रतिशत नहीं मिलता है, इसकी क्या वजह है? वजह यही थी कि हम लोग बड़े सहनशील हैं, हमारी संस्कृति है, सहनशीलता रख करके हम उनको ये एहसास कराएंगे कि मेरे बगैर तुम्हारी महापालिका नहीं चलेगी, वो एहसास कराना है, कर रहे हैं, अपने आप समय आएगा उत्तर भारतीय समाज का हर जगह हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व होगा, कभी महापौर बनेगा, कभी उप महापौर बनेगा, कभी स्थायी समिति का चेयरमैन बनेगा और कभी यहाँ से विधायक बनेगा, कभी सांसद भी बनेगा। देश की राजनीति, महाराष्ट्र की राजनीति और मीरा भाईंदर की राजनीति एक करवट ले रही है। आज के सुरेश सिंह जी के सम्मान में आयोजित इस उत्तर भारतीय समाज के प्रोग्राम में ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर उत्तर भारतीय समाज के महिला पुरुष युवा प्रबुद्ध वर्ग कष्टकारी वर्ग सारे वर्ग एक साथ आकर आज समाज के साथ खड़े हैं और आने वाले समय में मीरा भाईंदर की महापौर की कुर्सी पर कोई उत्तर भारतीय बैठे इसके लिए आज संकल्प लेकर यहाँ से निकलेंगे। सर इससे आपने कहा कि उत्तर भारतीय का होना बहुत जरूरी है, महापौर बहुत ये लॉलीपॉप हर वक्त दिया जाता है लेकिन जब समय आता है तो उन्हें उनसे किनारा काट लिया जाता है, ऐसा क्यों? नहीं देखिए, समाज कितना बड़ा है उससे उसकी शक्ति का पता नहीं लगता है, समाज कितना संगठित है उससे उसकी शक्ति का पता लगता है। हमारा समाज प्रबुद्ध समाज है, राजनीतिक तौर पे बहुत प्रगल्भ है, बहुत सोच विचार के मतदान करता है, वो राष्ट्रीय नीतियों को देखता है, प्रदेश की नीतियों को देखता है, लोकल चीज़ों को देखता है, वो हमेशा अंधभक्तों की तरह समाज के पीछे खड़ा नहीं होता है। बट आने वाले समय में कहीं ना कहीं समाज को सही प्रतिनिधित्व मिले
इसलिए समाज के लोगों के साथ खड़ा होना पड़ेगा और उस परिवर्तन की एक जो झांकी है वो यहाँ पर दिखाई दी है और आने वाले समय में इससे विराट सम्मेलन उत्तर भारतीयों का यहाँ पर होगा और उस सम्मेलन से एक मैसेज पूरे मीरा भाईंदर को जाएगा। उत्तर भारतीय समाज ने जो आज हमको सम्मान दिया है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हमारे सारे समाज के सभी वर्ग के लोग हमारे साथ जुड़े रहें और अगर एक साथ में हम एकजुट हो जाते हैं तो उसका निर्णय आपको खुद ही सामने से दिखेगा। जो हर बात इसके लिए हम अपने कृपा बाबा से, हमारे एडवोकेट साहब अखिलेश भाई से, हमारे अध्यक्ष रवि व्यास जी और हमारे पार्टी की तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि हमको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ज़मीन अलाट हो और जिस पे उस पर कार्य हो सके, हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। क्या एक बात और रहेगा? पूरी कोशिश यही रहेगी कि हमारे समाज को उनका स्थान अच्छे से मिले, हम इसके लिए बिल्कुल जी तोड़ तक। पाटिल जी बताइए, आज ये जो उत्तर भारतीयों के स्वागत समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या उपलक्ष्य में क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम? एकमात्र उद्देश्य स्वागत तो एक अलग कार्यक्रम है ही है, उसी बहाने हमारे उत्तर भारतीय समाज का यहाँ पे समागम, उनका सम्मेलन खाली इस बात के लिए कि हम उत्तर भारतीय एक ऐसी लंबी लकीर खींचे जो दलगत राजनीति से अलग हों, यूथाचर्चा उनके अंदर जो राजनीतिक शरणार्थी बने हुए हैं वो बात उनके दिमाग से निकल जाना चाहिए, गुलामीपूर्ण जिंदगी जो उनके मन में अभी भी भरा पड़ा हुआ है, हम लोग नेता लोग भीड़ लगाते हैं, मंच पर कोई दूसरा आके खड़ा हो जाता है, उत्तर भारतीय खाली अवाक होकर चले जाते हैं, वो चीज़ उनके दिमाग से निकालने के लिए हमने खाली प्योर उत्तर भारतीय समाज की मीटिंग ली है। आपने मंच देखा, उसमें कोई भी पार्टी दलगत पार्टी से अलग होकर के ये मीटिंग हुई है और सबका सहयोग मिला है, सभी पार्टी के लोग यहाँ पे आए हैं और अपना दिल खोल के बात की है। जैसे कि आपने कहा कि उत्तर भारतीय समाज हमेशा से भीड़ का हिस्सा रहा है, उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता है, जी हाँ, क्या आने वाले चुनाव में उत्तर भारतीय समाज की निर्णायक भूमिका रहेगी, क्या लगता है आपको? उत्तर भारतीय समाज तो मांग कर रहा है, यशु भूमि में इसके पहले निकाला हुआ था कि जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, आज भी हम वही कह रहे हैं, ये राजनीतिक विषय हम अगली बार ऐसा नहीं कि आज लास्ट हमारा उत्तर भारतीय समाज का ये प्रोग्राम था, ये पहला था, प्रोग्राम चालू रहेगा, नीतिगत राजनीति अपने ढंग से हम उत्तर भारतीय समाज करते रहेंगे, इसमें आज हमको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, न किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं न किसी का विरोध कर रहे हैं, हम उत्तर भारतीय समाज को एक कर रहे हैं, आगे आ करके अपनी रणनीति तय करें। पांडे जी, ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तभी उत्तर भारतीय समाज की याद आती है, उसके बाद 5 सालों तक समाज हाशिए पर छोड़ा जाता है? सर देखिए, अभी तो इलेक्शन का कुछ दिनांक दिन नहीं आया है, तय नहीं हुआ है, कोई समय सारणी नहीं निश्चित हुई है और ये संयोग से स्वागत समारोह था, उसमें राजनीतिक चर्चा जब उत्तर भारतीय लोग आते हैं तो ऑटोमेटिक हो ही जाती है और उस चर्चा का विषय यही रखना था, खाली जो बोलना है उत्तर भारतीय समाज के बारे में बोलना है, कोई भी पार्टी के बारे में ना हमको उसका प्रचार करना है न किसी नेता का विरोध करना था और हमने सक्सेसफुल तरीके से अपना कार्यक्रम किया। कुंवर जी, ये बताइए, ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है किस प्रकार का कार्यक्रम है? ये कार्यक्रम उत्तर भारतीय समाज के लिए कार्यक्रम है, खासतौर पर उत्तर भारतीयों के लिए है, इसमें सिर्फ उत्तर भारतीयों को निमंत्रण दिया गया, उनका ही आगमन है, उनका ही स्वागत है और उनके लिए ही कार्यक्रम है और पूर्ण जोर रूप से उत्तर भारतीय उपस्थित हुए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने की पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। मेरा भाई शहर में उत्तर भारतीय समाज की काफ़ी बड़ी संख्या है और हर चुनाव में उनका निर्णायक एक भूमिका होती है, इस समय क्या भूमिका रहेगी? अभी तक लोगों ने उत्तर भारतीय समाज को एक अपने यूज एंड थ्रो के रूप में यूज़ किया, लेकिन इस बार उत्तर भारतीय समाज जाग चुका है और वो अपना कैंडिडेट खुद उतारेगा और खुद संपूर्ण रूप से भागीदारी करेगा और अपनी हकदारी जो भी उसकी हकदारी है वो मांग के लेगा। भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष सुरेश सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो जिम्मेदारी मिला, इससे उत्तर भारतीय परिवार में एक मोटिवेशन मिला और एक्टिव लोग हुए, आज सब प्रोग्राम में भी देखे होंगे तो उत्तर भारतीय ज़्यादा लोग प्रोग्राम में शामिल हुए और हमें विश्वास है कि आने वाले हर इलेक्शन में उत्तर भारतीय के साथ एक निर्णायक भूमिका रहेगी और निर्णायक सीट मिलेगी, ये पूरी तरह से हमें उम्मीद है। आने वाले समय में और भी उत्तर भारतीय जो अलग अलग पार्टी से जुड़े हैं, क्या उन्हें भाजपा से जोड़ा जाएगा, उन्हें एक साथ 100% सुरेश सिंह के आने से एक विश्वास जगा हुआ है कि उत्तर भारतीय को कोई एक दिशा जरूर उत्तर सुरेश सिंह के माध्यम से मिलेगा, क्योंकि एक ऐसे बेदाग नेता हैं जो उद्योगपति हैं और किसी पार्टी के नेतृत्व से उत्तर भारतीय समाज के लिए बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं और दिख भी रहा है एक साल से कि हर एक उत्तर भारतीय के सुख दुख में साथ में जाते हैं और शेयर करते हैं, तो ये उत्तर भारतीयों को भी एक विश्वास लगा है सुरेश सिंह से, एक उम्मीद जगी है कि उत्तर भारतीय के साथ निर्णायक भूमिका में उनका योगदान रहेगा और निर्णायक सीट मिलेगा। मैं दोबारा यही बात करूँ, आज हमारे उत्तर भारतीय समाज द्वारा उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष सुरेश सिंह जी का सत्कार समारोह था,
इस अवसर पर हमारे जो मुख्य अतिथि थे कृपा शंकर सिंह जी, पूर्व गृह मंत्री पंकज सिंह जी और बड़े भाई अखिलेश चौबे जी यहाँ उपस्थित रहे। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि जो जिस तरह से इनको दायित्व दिया गया है सूर्य सिंह जी को, वो आने वाले समय में उत्तर भारतीयों को एक सूत्र में बांधेंगे और आने वाले महानगर पालिका में सबसे ज़्यादा जो संख्या होगा उत्तर भारतीयों का, मीरा भाई ने महानगर पालिका में उत्तर भारतीयों का होगा। नहीं नहीं, देखिए कैसा है, सभी उत्तर भारतीय नहीं, संख्या के आधार पे जो है अगर 20-25% 30% हम लोग संख्या यहाँ कहते हैं, तो अगर 100 टिकट में से 20-25 टिकट जो है हर पार्टियों को देना चाहिए। और हर पार्टी का कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता होता है वो अपने पार्टी के लिए लड़ेगा। जब समाज की बात आती है तो समाज की बात होती है। कोई व्यक्ति अगर भारतीय जनता पार्टी, कोई कांग्रेस, कोई शिवसेना अपने अपने टिकट देगी तो एक दूसरे में जो है वो लड़ेंगे, लेकिन प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जो है, क्योंकि जीतने की बात बाद में आती, पहले लड़ना। तो ये नाइंसाफी अभी तक हुआ है, जिस तरीके से पिछले 2017 के चुनाव में 16 टिकट जो है माननीय प्रताप सरनाइक जी शिवसेना ने दिया था, वो पहली बार ऐसा हुआ कि इतने बड़े तादाद में कम से कम टिकट दिए, भले उसमें 2 जीत के आए। बाद में मनोनीत नगर से मुझे जो है शिवसेना ने चुना, जो है माननीय प्रताप सरनाइक जी, एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में। तो कहीं ना कहीं समाज में एक जो है जिज्ञासा जगह जो है कि नहीं, जो है हम लोगों को भी अपने अधिकार मिलना चाहिए, और निश्चित तौर पे जो है मिलना चाहिए संख्या के आधार पर। बताइए, आज जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उत्तर भारतीयों के स्वागत समारोह का, किस प्रकार का कार्यक्रम है? ये दलगत बातों से ऊपर उठ करके मीरा भाईंदर में जो उत्तर भारतीय समाज 40% की आबादी का यहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है, राजनीतिक दल में खुद जो आज जो सत्कार मूर्ति हैं वो खुद दलगत में जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, लेकिन दल को नकारते हुए यहाँ पे सिर्फ समाज को प्राथमिकता देते हुए आज ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और उत्तर भारतीय समाज का राजनीतिक, सामाजिक, उद्योगपति, व्यवसायिक, चिकित्सक, पत्रकार, जो भी हर बिरादरी से जुड़े हुए लोग हैं, सारे लोगों की यहाँ पे उपस्थिति ये एकजुटता, प्रेम और सद्भाव इस बात का प्रतीक है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कहीं न कहीं राजनीति में जो उत्तर भारतीय समाज उपेक्षित रहा है, जिसको कहीं न कहीं हताशा और निराशा सदैव हाथ लगती रही हो, चाहे वो मुंबई रहा हो, चाहे वो सबरमन के क्षेत्र रहे हों, निश्चित रूप से वहाँ पे उत्तर भारतीयों के साथ अन्याय और दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता रहा है। उस बात को लेकर के ये तो भविष्य में सारे एजेंडे तय होंगे, लेकिन सारे चाहे धार्मिक व्यक्ति के लोग हों, चाहे व्यावसायिक लोग हों, राजनीतिक लोग हों, सारे लोगों को एक मंच पे ला करके उत्तर भारतीय समाज द्वारा यह प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और उत्तर भारतीय समाज निश्चित रूप से अब जो बैसाखी के सहारे चलता था, वो अपनी आवाज़ को अपनी जनसंख्या के अनुपात में मांगने का प्रयास कर रहा है।